नहीं नहीं खबर, ये देखो रोड लौक था, दूसर कौन काम या कुछ काम नहीं। कुछ नहीं कहता हमने के वो हाले बा, जब कोई आता है धमकी देकर चला जाता है, उजार देंगे फलानी, आप लोग अगर फलका बस यहाँ से चला जाइए, हम लोग कहाँ जाएंगे, कोई सरकारी मदद नहीं है, उम्मीद नहीं है सर। उसके बाद आज तक हम लोग का कोई विकास का काम हुआ नहीं, 20-22 साल हो गया सभी लोग के बस हुए, कोई सुविधा ना मिला। नोटिस आ जाता है कि आप लोग घर हटा लो, व्यवस्था के लिए कोई नहीं आता है, बस वोट के लिए सभी आते हैं। यहाँ पे हम लोग सड़क पे घर पे रह रहे हैं, यही तो रोजगार है और क्या है, तो जिसको दिए उसको ना, हम लोग को तो नहीं मिला है। बीजेपी था 20 साल से, तो रोजगार देख ही रहे हैं, इस बार हम लोग बीजेपी को वोट नहीं देने वाले। हाँ आओ तल तो अपना काम खतिया होता, लेकिन हम नहीं खतिया होता। जीतने के बाद अपन करते हैं, अपन गाड़ी घोड़ा बंगला बनाते हैं, दूसरा क्या करते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज, मेरा नाम अभिषेक है। गोपालगंज विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, ऐसे में हम यहाँ पर लगातार कवरेज कर रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं गोपालगंज की जनता क्या कुछ कह रही है, किसे चुन रही है, किसे जिता रही है, वहीं सहित क्या विकास हुआ है, क्या काम हुआ है, क्या रोजगार मिला है, महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। इस वक्त हम एक दलित बस्ती में हैं और यहाँ के लोग क्या कुछ कह रहे हैं उनसे जानने पहुँचे हैं, लोग क्या कुछ कह रहे हैं। अच्छा, क्या क्या लग रहा है, क्या चुनावी मूड है? चुनावी मूड, चुनाव में क्या लहर है, किसी का है कि नहीं? अभिन का है, कौन लहर पे? कोई लहर ना। अच्छा, कुछ विकास हुआ है कि नहीं, कुछ काम हुआ है ना, रोड वोड कुछ बना है? रोड है, ये नहीं बनल है, दूसर कौन रोड बना? गाँव में अंदर नहीं 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 बना, ना बना कुछ काम भले कि ना, ये देखो रोड लौक था, दूसर कौन काम? कुछ काम नहीं हुआ। लहर किसी का नहीं है ना? नहीं है ना भी। चार बार बीजेपी जीती है, सुभाष सिंह लगातार जीतते आए हैं, क्या कुछ काम किए हैं? ना कुछ काम नहीं है, कुछ काम है ना, कुछ ना जी रहती कुछ नहीं के। अच्छा, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई बढ़ा कि कम हो गई? बढ़ल बा, बढ़ल बा, महंगाई कौन कम कहाँ होता है? क्या कहेंगे, क्या चुनावी मूड लग रहा है? हमारा तो बच्चे हैं कि नलू रहा, तो हम का बच्चे की चुनाव में ककरो लहर बा, ककरो जितावे के बा? हमरा ना समझ आवेला, दिमाग नहीं है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं, क्या क्या चुनावी माहौल है? चुनाव में क्या माहौल है? यही माहौल है कि हम लोग नहर पास 20 साल से है, 25 साल से हम लोग का कुछ नहीं मिला, नहीं जगह जमीन मिला, हम लोग जब कोई आता है धमकी देकर चला जाता है, धमकी से यहाँ से चले जाइए, उजाड़ देंगे पलानी। उजाड़ देंगे? हाँ, सीधे कहता है, सीधा कहता है, सरकारी जमीन है, आप लोग अगर फलका में बस यहाँ से चला जाइए, हम लोग कहाँ जाएंगे, दियर से कट गए, कट गए। हाँ, जब यहाँ से कट गया है उधर से, तो हम लोग यहाँ यहीं आकर बसे हैं, और यहाँ हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सरकारी मदद, कोई सरकारी मदद नहीं है। जो भी कितना आदमी आते तो उठता है, हम लोग जिताते भी है, और कोई हम लोग का नाम में आता है वोट मांगने। हाँ, उठा वोट तो 20 आदमी आते हैं मांगने के लिए, लेकिन जिसका जिताते हैं वो भी हम लोग का काम नहीं कुछ करते हैं। फिर आता है कि नहीं वोट? फिर आते हैं फिर, लेकिन हम लोग अब वही काम करते हैं कि जो हमको वोट दीजने के बाद जब जिताए थे, फिर आते हैं, लेकिन चुनाव के समय में आते हैं, और जो काम रहता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हम लोग के पास, तो कहता है कि हम लोग हमारे से नहीं होगा। किस लिए नहीं होगा? जब हम लोग आपको जिताएं तो आप करिए, दूसरा करेंगे यहाँ पर कोई, कि आप ही करेंगे, यही हम लोग का समस्या है। क्या रोजगार रोजगार मिल रहा है कि नहीं? कोई रोजगार नहीं है यहाँ पर, हम लोग हेल्पर में कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं कमाते हैं तो प्लान में आके सोते हैं। तेजस्वी जी रोजगार देने की बात कर रहे हैं, लालू के जो बेटा हैं, क्या लगता है रोजगार मिलेगा? और रोजगार अब क्या देंगे, अब ऊपर वाले जानते हैं हम लोग के यहाँ रखेंगे कि यहाँ से कहीं और जीतेंगे तो और हम लोग के दूर भेज देंगे, कोई ठिकाना नहीं। क्या लग रहा है, क्या चुनावी कुछ मूड है? चुनावी मूड तो बना हुआ है सबका, ठीक है, सबका बना हुआ। हाँ, बीजेपी के यहाँ विधानसभा का जो चुनाव है 20 साल से सभी लोग देख चुके हैं, ठीक है, लगातार आप लोग जीता, लगातार हम लोग जिताएंगे कि नहीं? इस बार तो सभी लोगों को, जितना भी जनता है, मुंड बदल चुका है, ठीक है, बदलाव, हाँ बदलाव चाह रही सभी जनता, ठीक है। साथ जाएंगे सभी लोग, हाथी छाप साधु यादव के साथ है, ठीक है, हाँ साधु यादव के साथ है टोटल लोग, और बाकी रह गया 20 साल, मतलब तकरीबन 20-22 साल हो गया है नहर पे, सब कोई गंडक के कटाव से आकर के बसे हुए हैं, और 20 साल से लोग सिर्फ जो भी मतलब है वोट मांगने के लिए आते हैं, और उसके बाद कोई भी मतलब नहीं आता है क्या समस्या है, कि आ जाते हैं जिता देते हैं बस, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं होता है, ठीक है। बगल में पीछे सभी लोगों को जमीन भी है, ठीक है,
जो जमीन वाले हैं लोग यहाँ के लोगों को परेशान करते हैं। विकास हुआ है कि नहीं? कुछ भी विकास नहीं हुआ है, वही तो बात बता रहे हैं। सभी लोग परेशान हैं, टोटल बरसात में और ज़्यादातर परेशानी बढ़ जाता है, टूटता है सब, घर में पानी बहता है। हम लोग कई बार किन किन के पास गए लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं होता है यहाँ पे। हम लोग को दिए तो सांसद भी रहे हुए हाँ, वो रहे हुए हैं तो विकास किए हैं, विकास किए हैं। उस तेजस्वी रोजगार देने की बात कर रहे हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री, उम्मीद नहीं है सर, उम्मीद नहीं है ना, उम्मीद नहीं है, उम्मीद नहीं है सर। क्या कहेंगे, क्या क्या लग रहा है, क्या चुनावी मूड है? चुनावी मूड में तो यही बताइए कि चुनावी मूड जो है क्या आपको क्या लग रहा है? कम से कम 15-20 साल तक तो रहे कि सुबह से लगातार आप लोग जिताए हाँ, जबकि हम लोग उनके पास के हैं, हम लोग हाँ उनके पास के हैं, हम लोग भी उन्हीं आप लोग देते थे उनके? हमेशा उन्हीं को वोट दिए। इस बार दीजिए कि नहीं उनकी पत्नी? अभी इस बार मुश्किल है, मिली मुश्किल है हाँ। कारण क्या लगता है? कारण यही है कि कम से कम वो 4 बार विधायक रह चुके, उसके बाद आज तक हम लोग का कोई विकास का काम हुआ नहीं, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं हुआ। यहाँ तक जमीन का सबसे बड़ा समस्या लोगों की है, तो जमीन के लिए कई बार मतलब DM के पास भी हम लोग आवेदन दे चुके हैं, वो भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। का हर पार्टी आती है, मिल जाएगा, कम से कम यहाँ 20-22 साल हो गया सभी लोग के बसे हुए, कोई सुविधा ना मिला, कोई सुविधा नहीं दिया, कोई सुविधा भी दी जाती है। ऐसे तो सरकार की तरफ से जो भी जैसे नहर की सफाई होती है उसके बाद से नोटिस आ जाता है कि आप लोग घर हटा लो, लेकिन जाएंगे तो वही तो पूछा जाता है सरकार, उस टाइम तो कोई नहीं आती है कि हाँ जैसे जनता को अगर इस टाइम नोटिस आया है तो कोई व्यवस्था किया जाए, व्यवस्था के लिए कोई नहीं आता है, बस वोट के लिए सभी आते हैं, वोट के लिए सब लोग हाँ वोट के लिए सभी आ जाते हैं। क्या लग रहा है इस बार? इस बार में साधु जादव को बताए हैं लोग कि हाँ काम उनका सही है, हाँ तो इसीलिए साधु जादव कब क्यों चुनते हैं। क्या कहेंगे, युवा की सरकार है, रोजगार की बात कर रही है बिहार सरकार, तो रोजगार देख ही रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग सड़क पे घर पे रह रहे हैं, यही तो रोजगार है, और क्या है, कुछ है सड़क पर है हाँ, रोजगार नहीं दे रहा, रोजगार क्या है, कुछ नहीं है, घर पे है और क्या, घर पे बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं हम युवाओं को रोजगार देंगे, तो जिसको दिए हैं उसको ना, हम लोग को तो नहीं मिला है, हमको मिला मिलेगा तभी तो रोजगार मिलेगा क्या? बीजेपी 20 साल से तो बीजेपी था 20 साल से, तो रोजगार देख ही रहे हैं। इस बार हम लोग बीजेपी को वोट नहीं देने वाले हैं, वोट नहीं देंगे बीजेपी, नहीं नहीं BSP को देंगे, साधु यादव को। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, लोग क्या कुछ कह रहे हैं, महिलाएं हैं कुछ। अच्छा जी, की कहा भाई, की कुछ काम, महंगाई वहंगाई पर कथी कहू ना, यही महंगाई है बा, हमें काम मिलल बा, कुछ ना मिलल बा, ना कुछ ना, सब ऐसे उजार रही का बहता बा, महंगाई के फेर में बनी सब उजार दे, तब का कथी कह कहता लो, जो हटावलो हटावलो तो हमें कहाँ जाए, कहाँ हटावलो, हटाई के कहता लो तब हमें क्या बात है, कौन सरकार, सरकार गंडक भी कहता है, गंडक कि हटा लीजिए, हाँ हटा लिए, कहाँ जाएंगे तब, हम ये कहाँ जाए, हम गेज बने सर कटाव से भगने से, तो ये वाड़ी मिला हम रोजी हाँ। रोटी मिला था ना हाँ? कौनो रोजगार ना, कौनो रोजगार ना, कैसे परिवार चला ला, कमाता नहीं सर, सोहन रोपनी कह के आदमी खाता, दूसरा के का कल जाए, महंगाई भी छोड़ के दूसर कुछ मिल की रोजी रोटी मिला था ना, कहीं बैठल रही सर, बैठल कौन रोजगार नहीं, बेटा उठा के कुछ ना, मजदूरी कर ला, लेबर कर ला लो, आ ले के खियावे ला लो, विकास भले ही है कौन कौन का विकास, सड़क उड़क हो है बाबे, ये गंडक ही बन, बिजली बाह दे बा, बाकी पानी बहेला तो घर ही में टूट के बहेला, कौनो शरण ना मिलेला, चुनाव हो रहा बा, सब नेता आ रहा है, हाँ आओ तल तो अपना काम खाती आवत हो, लेकिन हम नहीं खाती आवत हलो, वो अपना चुनाव खाती आवत हलो, वोट देबे ना दियाई, जे हमने काम करी ओकरे कम दियाई, महंगाई बढ़ल बा कि घटल बा, बढ़ल बा महंगाई, महंगाई से तो और कुछ न के बुझा, जे का खाइल जाओ का पियल जा, एबरे किना के खाए तनी ओबरे खाए, जो लगत है जे इतना पैसा उठ गए कहाँ से आई कहाँ से ना आई, महंगाई के मत पूछे, महंगाई बहुत बढ़ल बा, की कह भाई, की है कुछ काम भले है इलाका में, कौन काम भइल बा, कुछ नहीं है भइल, का होता ना, सारा लोग का मजदूरी बढ़ गए, हमनी का मजदूरी सोनी रोपनी करे जाता है, 100 रुपया से 150 से अधिका होता नहीं, दाल चावल के महंगाई बढ़ गए,
तेल मिलता 200 रुपया किलो, तो गरीब कहाँ से किन के खाई 200 रुपया किलो। 25 रुपया किलो ए बरा आलू बाटे, 200 रुपया मीट हो गए बाटे मुर्गा के, खोसू के 600 रुपया, तो कहाँ से गरीब खाई। ये कुली बा मजदूरी हमने के सोनी रोपनी करे जाए जाता है, दिन भर 9-8 बजे से जा आ 5 बजे ले खुरपी चलाव, तो 150 रुपया मिलता टे। वही पर सका तो इतना लेता रहता, इतना दिया ही 12 बजे कुछ खाऊ के ना मिले। हाँ महंगाई बढ़ गई, हाँ महंगाई बढ़ गई, परेशानी होती है, बहुत परेशानी बा हमने के। ए बरा मालिक के बता गुड़ में चोट लागल बा, ते बरा तो मजदूरी है नहीं के हमने के कौन। हाँ कौन मजदूरी बाटे। नेताजी आते हैं चुनाव के समय? नेताजी तो जब इलेक्शन शुरू हो जाता तो दिन रात तो दौड़ते रहते हैं लोग, रात के बाद चुल्हानी लग घुस के जाता है। जीतने के बाद, जीतने के बाद अपन करते हैं, अपन गाड़ी घोड़ा बंगला बनाते हैं, दूसरा का क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, नहीं कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो आपने सुना कि जनता की राय क्या है, यहाँ के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, इस दलित बस्ती के लोगों का क्या कुछ कहना है। तो लोगों का साफ साफ कहना है कि इतनी परेशानी होती है, महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर लोगों ने कहा कि मजदूरी, हर चीज़ का दाम तो बढ़ गया लेकिन मजदूरी वही की वही रह गई और उसका रेट नहीं बढ़ा, जिससे उनकी मुश्किलें ज़्यादा बढ़ गई हैं, परिवार चलाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो गोपालगंज सीट पर उपचुनाव में सियासी रोचक काफ़ी तेज हो गई है, सियासी रोचक है, रोचक मुकाबला है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किसकी जीत होती है। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।